गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्षितिज का काव्य खंड से सूरदास के पद पढ़े थे। आइए अब सूरदास के पद आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमारे हरे हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन बोले यह दृढ़ करी फिर पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जगरी सुनत जोग लागत हैं ऐसो जो करवी ककरी सोता व्याधि हम को ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास यहाँ कहते हैं हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हरि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है और हारिल हारिल एक प्रकार का पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है। लकड़ी अर्थात लकड़ी किसको मैं उधव गोपियाँ उधव से कहती हैं कि उधव हमारे लिए हरि हारिल के पंजों से थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन से कर्म से वचनों से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। सुनत जो जोग लागत ऐसो जो करुई ककरी हम सोते जागते सोते रात दिन यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया राम की रट लगाए रहते हैं। जब हम तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनते हैं तो हमें यह तुम्हारा संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लगता है अर्थात अच्छा नहीं लगता। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी देखी न सुनी और न कभी इसका व्यवहार करके देखा। इस पर गोपियाँ कहने लगी उधव तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकन जिनका हृदय भटकन में है, जिनके हृदय एक जगह पे नहीं है, जिनकी कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश क्या करेंगे, यह योग संदेश तुम उन्हीं को दो जो कृष्ण के पीछे भागती फिरती हैं। आगे हरी है राजनीति पढ़ी आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़े बुद्धि जानी को जो उनकी जोग संदेश पठाए उधो भले लोग आगे के परहित दौलत थाए अब अपने मन फेर पाई हैं तलत चलत जो हुत छुराए ती क्यों अनिति करें आपुन जय और अनिति छुराए राजधर्म तो है सुर जो प्रजा न जानी सता अर्थात गोपियाँ फिर उधव से कहती हैं उधव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ा है। अरे भौरे वह भौरों को उधव से कहती है अरे भौरे उधव मैं तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गए हैं, हम कृष्ण के छल भरी राजनीति समझ गए हैं। अरे भावरे एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ाए हो अतः इसलिए तुम्हारी बात में छल कपट भर आया है। तो क्यों आप अनिति जुड़े आपको जे और अनिति छुड़ाए राजधर्म तय कहे सुर जो प्रजा चाहिए सुताए। वह कहती है कि हम श्री कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं, उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। वह कहती हैं कि उधव पहले लोग बड़े ही रीति से होते थे कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। चलो कम से कम हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा इसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे, परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते हैं वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, वे हमें अपने प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं।
सुर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं, सुर की बातों को सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को न सता, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना यह संदेश वापस ले जाएं और हमें अपना दर्शन दे जाएं। धन्यवाद।